तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी पतंगें जा रही है, और ये देखिए उसके साथ साथ कितनी सारी चरखियाँ लटाई भी जा रही है। और यहाँ पे मेरा मांझा रेडी हो रहा है, आप देख सकते हो लोकल कारीगर का है लेकिन बहुत ही अच्छा मांझा है और एकदम चीप। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो ओनली काइट। तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से ये मांझा लेके आया, तो एक बार आपको करीब से दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मांझा है, आपको शायद से इसकी चमक कैमरे में नज़र ना आए। ये अभी दो रील बची है लेकिन मैं ख़रीदा था 3 रील, अब देखो लेकिन मुझे नहीं लगता कैमरे में नज़र आएगा। ये एकदम कड़ारी मांझा है और जो खींच के और ढील के लिए दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं ख़रीदा था विश्वकर्मा पूजा के पहले उड़ाने के लिए, जो पहले कुछ दिन है, और इस तरह की कोई अद्दी पतंग लेके आया हूँ लोकल कारीगर की, काफ़ी अच्छी पतंग है वैसे। और ये मांझा भी लोकल कारीगर का ही है और एकदम चीपेस्ट मांझा है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी मांझा है। लोकल कारीगर का भी मांझा कभी कभी बहुत अच्छी निकलती है, तो मैं आपको मार्केट में ले जाके दिखाऊंगा कि ये मांझा मैंने कहाँ से ख़रीदी और कितने रुपए के लिए, और ऐसे पतंग भी खरीद के लाया हूँ मैं। तो चलिए मार्केट में चलते हैं। सोरू मैदानी दूल्हा मोटा पांडा हवे ভালোটা দেখাবো তো। হ্যাঁ ভালো দাও, কত এটা? 150 টাকা আগে বলো না। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पतंगा कारखाना है, यहाँ पे सारी पतंगें पैक होके जा रही है होलसेल मार्केट में। और यहाँ पे मेरा मांझा रेडी हो रहा है, मैं 6 रील लिया 600 रुपीज़ का।